नमस्कार, रोटी समाचार में आपके सबके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अनुसंधान अधिकृत बसंत शाह आई मृत अवस्था में भेटन मुख्य प्रश्न से। सरलाही में राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग में कार्यरत अनुसंधान अधिकृत मृत अवस्था में भेटल सैन। अनुसंधान अधिकृत के रूप में सरलाही में कार्यरत 29 वर्षक बसंत शाह आई भिनसर 5:45 में ईश्वरपुर नगर पालिका 9 खोरिया टोल में मृत अवस्था में भेटन सरलाही के DSP जितेंद्र पजियार थारू जानकारी दिलन। बेतर रहित ड्यूटी कह के ईश्वरपुर नगर पालिका 6 बेल पास स्थित अपन घर जा रहा समय मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ कर हिंकर मृत्यु भेल जानकारी दिलन। ओ सवार बागमती प्रदेश 02/16/0071 नंबर के मोटरसाइकिल वह स्थान में दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में भेटल DSP थारू जानकारी देने सन। संगे घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहा आ कानूनी प्रक्रिया पोक मृतक के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आन तैयारी भ रहा DSP थारू जानकारी देने सकते। बारा में अपने कन्या के हत्या केने आरोप में भारतीय नागरिक के नियंत्रण में लेल गेल। बारा के सिमरौंगढ़ नगर पालिका 6 बेलहट्टी बाजार स्थित नैहर में रहित 23 वर्षक यास्मीन खातून के हत्या भेल अभियोग में भारत बिहार प्रांत पूर्वी चंपारण ग्राम पंचायत पकड़ी 14 थाना डाका रुपौरी रहनिहार 26 वर्षक मोहम्मद अमा नुल्लाह के बुध दिन भिनसर प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। अमानुल्लाह यासिम के धैर्गर हथियार प्रयोग क हत्या भेल प्रहरी जानकारी देने सैन। अयानुल्लाह के इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौंगढ़ से खटर टोली नियंत्रण में लेनी है। घटना बाद अमानुल्लाह के स्थानीय वासी मारपीट क घायल बनेने संगे प्रहरी के निगरानी में अखन जिला अस्पताल कलैया में इलाज भ रहा है। संगे अ संबंध में थप प्रहरी थप अनुसंधान से वो कर रौतहट में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। जिला के बोधीमाई नगर पालिका 3 मटियरबा पाद नजदीक मंगल के रात ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से 17 वर्षक उदय पटेल के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी दिलन। इनरवा से मटियरवा दिस जा रहा PR2030001 T439 नंबर के ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से पटेल के मृत्यु भेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर जानकारी दिलक। ट्रैक्टर अनियंत्रित भक बाट से करीब 35-36 फीट नीचा खसल में चालक पटेल सख्त घायल भेलाक बाद इलाज के लिए गौर दिस पठाएल गया सल। बीतल रात अस्पताल में हिंकर मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी दिलक। संगे घटना संबंध में आवश्यक अनुसंधान भ रहा प्रहरी जानकारी देने से। सप्तरी प्रहरी प्रतिबंधित लागू औषध सहित एक गोटे युवक के नियंत्रण में लेनी है। जिला के अग्नि साइन कृष्ण सावरण गांव पालिका 6 मौली बाजार स्थित गोप्य सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय मौली आ इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के संयुक्त प्रहरी टोली पैदल यात्री रहा 22 वर्षक मोहम्मद आजाद के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी दिलक। युवक के चेक जांच कैल गेल में हिनकर संग में रहा झोड़ा से डाइजेपाम 16 पीस एम्पुल लिजेक्स 24 पीस एम्पुल फेनरागन 17 पीस एम्पुल बरामद भेल। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देने सैन। संगे अ संबंध में थप अनुसंधान अखन भ रहा जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी दिलक। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाह के नियंत्रण में लेब विभिन्न 6 दल मांग कलक। अध्यक्ष शाह गौर हत्याकांड में संलग्न रहल कहत जसपा सहित 6 दल जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट में ज्ञापन पत्र बुझौने सैन। शाह के नियंत्रण में लेब दबाव देवाक साथ पूर्व प्रदेश सांसद राम सागर यादव के नेतृत्व में 21 सदस्यीय समिति बनल। अ समिति में जसपा नेपाल जनमत लोसपा नेकपा एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्र आ नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता से रहल सैन। समिति आई गौर में अध्यक्ष शाह विरुद्ध प्रदर्शन से केने सब गोटे हिंदूवादी नेता काशीनाथ तिवारी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी रहल उपेंद्र दास बैरागी आ शिक्षक सुनील यादव के हत्या में संलग्न रहल कहत प्रभु शाह के नियंत्रण में लग कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ावन लेल मांग कने सैन। इससे पहले
17 वर्ष पहिने भेल गौर हत्याकांड में संलग्न सबके कार्यवाही के मांग करते गौर हत्याकांड संघर्ष समिति रौतहट के प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र बुझबत अ हत्याकांड के फाइल खोल लेल मांग कने सलैनी। रूपसागर देवी के संयोजत्व में समिति गठित समिति 2064 चैत 7 में भेल गौर हत्याकांड में मुख्य दोषी जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव रहल दावी करत दोषी सब ऊपर कार्यवाही क न्याय देव संघर्ष के कार्यक्रम सार्वजनिक कैल गल सर इस सब गोटे साउन 14 गते धर मांग पूरा नहीं कैल गल साउन 15 गते सब अनिश्चितकालीन रौतहट बंद करब चेतावनी सहित आंदोलन के कार्यक्रम सब सार्वजनिक केने सर 2063 चैत 7 गते तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम आ माओवादी बीच सदर मुकाम बोर में झड़प भेला से माओवादी के 27 गोटे कार्यकर्ता के मृत्यु भेल सर मधेसी जन अधिकार फोरम शांतिपूर्ण कार्यक्रम पर लागल में माओवादी बिथोल का द्वंद केने आ फोरम के कार्यक्रम बिथोल नेतृत्व प्रभु शाह केने गठबंधन के ठहल चितवन मांडी के घाघर नदी तैर रहल बस बाइट में डूबल मांडी नगर पालिका 8 आ 9 के सीमाना में रहल घाघर नदी तर लागल नाग 4-19-47 नंबर के बस के आई के बाढ़ डूबौलक ढोरी 30 से बसंतपुर मारी दिस जा रहल समय बस नदी में फंसल छल त बस में चालक सहित 3 गोटे रहल सैन इनकर 3 गोटे के सकुशल उद्धार कैल गेल नेपाल के मुख्य भंसार बिंदु बीरगंज से गत आर्थिक वर्ष 2079-80 में लक्ष्य के 60% मात्रे भंसार राजस्व संकलन कैल गेल भंसार विभाग के अनुसार अई कार्यालय से वर्ष भर के लेल 2,60,97 करोड़ रुपया राजस्व संकलन के लक्ष्य लेल गेल सल जाय मध्य असार मसांत धरे 1,57,15 करोड़ रुपया मात्र संकलन भेल अई मध्य आयात में लागब भंसार महसूल 56,05 करोड़ रुपया संकलन कैल गेल त अ लक्ष्य के 57.58% मात्र रहल बीरगंज में मात्र भंसार महसूल 97,34 करोड़ रुपया अनुमान में आई आर्थिक वर्ष कैल गेल सर मूल्य अभिवृद्धि कर 70 अरब रुपया उठल त लक्ष्य के 71.21% मात्र रहल नेपाल के आयात दिस 36.82% व्यापार अ वर्ष बीरगंज भंसार से भेल त 5,93,39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 ,
व्यापार एवं सार्सर कैल गए ये 36 अरब 67 करोड़ रुपया रहल है। वर्ष आयात आ निर्यात दुनू में उच्च दर से कमी एल से सरकार भंसार से संकलन के राजस्व में समेत बड़का गिरावट आयल। नेकपा माओवादी केंद्र आगामी सन 17 गते बैसे लागल केंद्रीय समिति बैसार के तैयारी में जुटल है। बुध दिन पार्टी कार्यालय पेरिस डरा में बैसल माओवादी पदाधिकारी बैसार में केंद्रीय समिति बैसार के एजेंडा के संबंध में छलफल कैल गए। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण कांजी श्रेष्ठ के अध्यक्षता में बैसल बैसार में केंद्रीय समिति बैसार के स्वाभावित एजेंडा के संबंध में छलफल भेल। माओवादी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महाराज जानकारी देने निरंतर पदाधिकारी बैसार बैसा कर केंद्रीय समिति के प्रारंभिक एजेंडा तय कैल जाए हिंकर कहब रहा सब। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक 17 गते हुँदैछ। यो 17 गतेको बैठक हो प्रारम्भिक एजेन्डा त उतार्नु होस्, विशेष गरेर सबै पदाधिकारीहरू र महासचिवले एक्सप्लेनेसन दिनु भन्नुभएको थियो। त्यसैको मिटिङ हो आज, हामी अघि मिटिङ गर्नु आजको मिटिङ त्यसैको लागि मिटिङ गरे हो। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक कसरी प्रभावी बनाउने भन्ने विषयमा बस्यौँ। केंद्रीय समिति बैसार में पार्टी के 2 महीने अभियान के समीक्षा प्रतिवेदन तथा स्थानीय प्रदेश और केंद्रीय चुनाव के समीक्षा लगात में छलफल कर माओवादी के तैयारी देखल गए। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सोन प्रकरण में निष्पक्ष छानबीन के मांग कलक। संघीय संसद भवन नया बानेसर में बुध दिन बैसल एमाले संसदीय दल के बैसार सरकार के मंत्री आ सरकार में रहल दल के नेता सबके
संलग्नता बिना भंसार से स्वर्ण पास केना क भेल आ ई असंभव रहल कहत निष्पक्ष छानबीन के मांग कलक अच्छे। बैसार के बाद एमाले सांसद रघुजी पंत बेर बेर सोन एल खबर प्रकाशित भेल अवस्था में गंभीरतापूर्वक गहराई में जाकर छानबीन के मांग केने सन। ओ भरिया के मात्रे नहीं भक सोन अन्य मुख्य व्यक्ति के समेत नियंत्रण में लग सोन अन्य काज में सहयोग केने के से कार्यवाही कर पड़त जिक्र कनि। संगे ओ सोन प्रकरण के लंबा समय भेलाक बादो सरकार किछ काज कर नहीं सकल बैसार के ठहर रहल जानकारी दिलनि। Enda på vårt sån är det bara åt att det får bli här in väl som man får göra. Jo, för jag är mig, så vi tar upp till det. Vi kom på en ny politik där vi kan ta det med. Det är så innan i muslimens i boks. Vi ska göra samma bo i vårt sätt. Kan det inte ens på grabbar är det ju. Vi inte har skadig på. För att vi har varit dyrt och samhället till det här med karavar i gången. Vad är det så länge han gör det här? बैसार से सोन प्रकरण के नैतिक जिम्मेवारी गृह मंत्री के लेबल परत निष्कर्ष सेहो निकालल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के सांसद सुनील प्रकरण में गृह मंत्री आ अर्थमंत्री के राजीनामा मांग केने छथि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार में सांसद शर्मा सोन प्रकरण में भरिया के मात्रे नियंत्रण में लेल गेल आ मुख्य दोषी के नियंत्रण में लेबल नहीं सकल अवस्था में अनुसंधान के प्रक्रिया के सहज बनाबे लेल गृह मंत्री आ अर्थमंत्री के राजीनामा देव परत जिक्र कलनि। ओ ऐसे पहिने सेहो विभिन्न प्रकरण में नाम जोड़लाक बाद राजीनामा देने स्मरण करत ओ अखन अ प्रकरण के निष्कर्ष में ल जाए राजीनामा दक सहयोग कर परत धारणा रखलन। शर्मा सोन प्रकरण नेपाली जनता संघ के प्रश्न रहला से गाँव के भरिया के मात्रे नियंत्रण में ल कर नाइकी के भगाव प्रयास भ रहा सदन में आमरण अनशन बैस जिक्र सेहो कलनि। जनता से संबंधित प्रश्न हो दुई छाक भात खाना नपाएर सड़क में रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरुले उनीहरुको आँखाले अपील गरिरहेको विषय हो यो। नेताहरु बसेर काठमाडौँमा यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ जो क्विटलका क्विटल सुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँका सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य अभियुक्तलाई पक्रन नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागबण्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागेदार हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभापति महोदय यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ बाहिर हुन्जेल त म पर्खिउँला तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा उजेललाई समातेर मुख्य नायकी नपक्ने गरेर बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभापति महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पऱ्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। आज हो समय निर्धारण कहे कि सरकार के तरण के मुख्य नायकी के नियन्त्रण मिलेब परत जिक्र सेहो केने छलै। टुडे समाचार में अब आर्थिक सम्बन्धी समाचार। सोन के दाम आय तोला के 500 रुपया से बढ़ल है। सोन आय तोला के 1,12,700 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक है। काल्हि खन सोन के दाम तोला के 1,12,200 रुपया में कारोबार भेल त आय चांदी के दाम से हो बढ़ल है। तोला के 10 रुपया से बैठ कर चांदी आय 1,465 रुपया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतरराष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरुद्ध ओतुका नीचा सदन अर्थात लोकसभा में अविश्वास के प्रस्ताव पेश कल गए। विपक्षी गठबंधन के सांसद सब बुधन अविश्वास के प्रस्ताव पेश कने से सभामुख ओम बिडला अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करें दलसभ सन छलफल के लिए आधार में अविश्वास प्रस्ताव उपन कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाव जिक्र कलनि। यद्यपि विपक्षी सांसद सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपस्थिति मांग से कलक अच्छे। विपक्षी सब बैसार में हो हल्ला केने बाद संसद के काम कार्यवाही किछ देर के लिए स्थगित समेत कल गल सांसदीय कार्य
राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विपक्षी सब पेश के अविश्वास प्रस्ताव के कोनो अर्थ नहीं रहल प्रतिक्रिया देलन। वो कहले पहला वो सब गोटे मणिपुर मामला में छलफल कर चालन, अपने सब अ में तैयार भेलो, बाद में सब गोटे नियम के मुद्दा उठेले, अखन फिर से नया मुद्दा के रूप में प्रधानमंत्री के जवाब मांग रहा सैन। प्रधानमंत्री मोदी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश के लो पर विपक्षी गठबंधन प्रस्ताव पास होब विश्वास नहीं कलक, क्योंकि भारत के संसद में सत्तारूढ़ गठबंधन प्रष्ट बहुमत में रहल, मुदा अविश्वास प्रस्ताव पेश भेला के बाद संसद में प्रधानमंत्री के अनिवार्य रूप में संबोधन कर पड़ला से हो विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री के संसद में बाजब बाध्य के प्रस्ताव अन्य भारतीय समाचार माध्यम समय उल्लेख कल गल। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लिए एतबा, पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित बेटा करब, तखन देर के लिए हम सपना विदा मांगी छी, देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर, नमस्कार।